Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 3rd of October 2024. So, आज की क्लास में हम 3 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाचार की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार की। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम इंटरनेशनल लेवल पर बन रही न्यूज को डिस्कस करेंगे, लाइक कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी है, वहां पर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, वहां से कोई एमओयू साइन किया गया है, कोई इंटरनेशनल मीटिंग कंडक्ट की गई है, कोई सबमिट कंडक्ट हुई है, उसके अलावा कोई अपॉइंटमेंट हुआ है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का, करेंसी से रिलेटेड कुछ भी न्यूज बन रही है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो हम इसमें कवर करेंगे। सेकेंड हम कवर करेंगे राज्य समाचार। राज्य समाचार स्टेट न्यूज में हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, तो जो हमारी राज्य सरकार उन्होंने कोई इनिशिएटिव कोई एमओयू साइन किया, कुछ नया लॉन्च किया है, तो उससे रिलेटेड हम स्टेट न्यूज में कवर करेंगे। बैंक और वित्त समाचार में हम बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड डील करेंगे। बैंकिंग में कोई बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की गई है एनबीएफसी या फिर कोई बेसिकली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ न्यूज बन रही है, कोई स्पोर्ट्स न्यूज बन रही है, कोई खेल समाचार है उससे रिलेटेड हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डे न्यूज, तो महत्वपूर्ण दिनों की खबरें देखेंगे, बुक्स एंड ऑथर पुस्तक और लेखक से रिलेटेड समाचार देखेंगे, रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई रैंक जारी किया उससे रिलेटेड कोई न्यूज बन रही है तो वो हम कवर करेंगे। सम्मेलन और शिखर सम्मेलन हम देखेंगे, ऑक्चुरी न्यूज शॉक समाचार देखेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे हम सारांश और समरी ऑफ द लेक्चर कि आज की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो ये 10 टॉपिक्स हमारे होंगे और लास्ट में हम देखेंगे सारांश और समरी। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। द इमेज यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर एंड ऑनर ऑफ दीज इमेजेस। इफ यू आर द ओनर ऑफ एनी ऑफ द इमेज यूज्ड इन दिस डेक एंड हैव एनी कंसर्न और इशू, प्लीज कॉन्टेक्ट अस एट sathi@iitk.ac.in एंड वी शैल रिमूव द इमेजेस। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। पहली हमारी इंटरनेशनल न्यूज है, भारत ग्लोबल नेटवर्क की संचालन समिति के लिए चुना गया है। तो ग्लोबल ई नेटवर्क है बेसिकली, which is Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authority, जिसकी पांचवी मीटिंग कहां पर कंडक्ट की जा रही है, प्लेनरी मीटिंग बीजिंग चाइना में, और जहां पर भारत इसकी समिति के लिए चुना गया है। तो न्यूज देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट बनता है। तो 26 सितंबर को भारत को बीजिंग चीन में आयोजित पांचवी पूर्व बैठक के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन अधिकारी के वैश्विक परिचालन नेटवर्क की 15 सदस्यीय ग्लोबली संचालन समिति के लिए चुना गया है। भारत का संचालन समिति में चुनाव इसे भ्रष्टाचार से लड़ने और संपत्ति की वसूली में वैश्विक प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान करने में सक्षम बनाएगा। ग्लोब ई नेटवर्क को आधिकारिक रूप से 3 जून 2021 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में एक प्रवेश विशेष कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। तो इसे यूनाइटेड नेशन के थ्रू लॉन्च किया गया है। गृह मंत्रालय भारत में ग्लोबल ई नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय सदस्य प्राधिकरण के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर? तो ग्लोबल ई नेटवर्क है जो 15 सदस्यीय बेसिकली संचालन है, जिसे 3 जून 2021 को यूनाइटेड नेशन को भ्रष्टाचार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसे फैलने से भरने के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए क्या क्या बेसिकली स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या क्या रूल्स बनाए जा सकते हैं, उसके लिए बनाया गया था, जिसका अभी पांचवा संस्करण बीजिंग चाइना में होगा, पांचवी पूर्ण बैठक होगी बेसिकली ये। तो अभी भारत इसकी क्या करेगा, इसका संचालन समिति का पार्ट बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट है स्टेट न्यूज। स्टेट न्यूज की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी और उन्हें समर्पित किया। तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है मोदी जी ने विजिट किया, तो ये वर्चुअली हुआ है बेसिकली। वर्चुअली मोदी जी ने महाराष्ट्र के बेसिकली प्रोग्रेस के लिए, वहां पर रेलवे ट्रैक के लिए, रेलवे चरणों के लिए कुछ एक फंड की दिया है, या फिर 11,200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो परियोजनाएं हैं उनकी आधारशिला रखी है।
29 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए की वित्तीय परियोजनाओं को वर्चुअली शिलान्यास किया और उनका शुभारंभ किया। अब इसमें क्या क्या था, पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो खंड जो जिला न्यायालय से स्वार गेट तक रहेगा उसका उद्घाटन किया, जो पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण वन की पूर्णता को चिन्हित करता और पुणे मेट्रो चरण वन के स्वारगेट कागज विस्तार की आधारशिला भी मोदी जी ने रखी। उन्होंने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र विच इज BIA को भी राष्ट्र को समर्पित किया। अतिरिक्त रूप से पीएम मोदी ने सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और भिडेवाड़ में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के पहले बालिका विद्यालय के समारोह की भी आधारशिला रखी। क्लियर, तो ये काम किए हैं। ये स्टेट न्यूज है, ये बजट याद रखना है कि कितने का दिया है, 11,200 करोड़ का इन परियोजनाओं के लिए मोदी जी ने बजट रखा है। डन। नेक्स्ट है, सेबी ने डिलिस्टिंग विनियम में संशोधन किया। तो सेबी अमेंडेड डिलिस्टिंग रेगुलेशन, स्वैच्छिक डिलिस्टिंग के लिए निश्चित मूल्य प्रक्रिया शुरू की गई। तो पहले तो थोड़ा सा सेबी के बारे में समझ लो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी को लाया गया था जो भारत की स्टॉक मार्केट्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उस पर कंट्रोल रखने के लिए। भारत की स्टॉक मार्केट की भी बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है भारत के अंदर। तो बेसिकली जो शेयर मार्केट्स हैं उसको कंट्रोल करता है सेबी। तो अभी सेबी ने क्या किया, डिलिस्टिंग रेगुलेशन के कुछ रूल्स फिक्स किए हैं। अगर कोई वॉलेंट्री डिलिस्टिंग कर रहा है तो उसके लिए एक अमाउंट फिक्स किया गया है। क्लियर। तो 25 सितंबर 2024 को सेबी ने इक्विटी शेयर के डिलिस्टिंग विनियम 2024 में संशोधन किया, जिससे कंपनी को रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के विकल्प के रूप में एक निश्चित मूल्य प्रक्रिया के माध्यम से शेयरों को डिलीट करने की अनुमति मिली। इन संशोधन का उद्देश्य सूचीबद्ध कंपनियों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। नए विनियमों को सेबी जो सिक्योरिटी शेयर की डिलीटिंग संशोधन विनियम 2024 के रूप में जाना जाएगा। सेबी भारत में प्रतिभूति और वस्तु बाजार के लिए शीर्षक नियम नाकाया है, जिसे सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से एक सार्वजनिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। क्लियर। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है जो भारत के अंदर सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट्स हैं, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, उनको ये कंट्रोल करती है। और कब एस्टेब्लिश किया गया, अगर आपसे सेबी से पूछे तो सेबी को 1992 में एस्टेब्लिश किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो पहले तो OTS समझ आना चाहिए, वन टाइम सेटलमेंट। तो IDBI बैंक ने लॉन्च किया है OTM सिस्टम फॉर रिटेल NPA बोरोवर टू बूस्ट रिकवरी, जिसे सुगम ऋण भुगतान योजना या सुगम स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले तो दो तीन टर्म समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो NPA समझते हैं क्या है, फिर उसके बाद इस स्कीम को समझेंगे। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, वो लोन जो बैंक ने दे तो दिए लेकिन जो जिसको दिए हैं, जो उधार करता है उसने 90 दिन से ज्यादा डिले कर दिया है। तो बैंक्स क्या करते हैं, उन्हें NPA में डाल देते हैं कि अब इनके रिकवर होने का खतरा है या ये पैसा टाइम पर नहीं आया, ये रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है। तो अब IDBI बैंक ने क्या किया है, OTS सिस्टम लॉन्च किया, वन टाइम सेटलमेंट, यानी नेगोशिएशन करके अगर आपका कुछ लमसम अमाउंट बन रहा है तो आप एक नेगोशिएशन अमाउंट के थ्रू भी अमाउंट पे करके अपने अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं, जिसे सुगम ऋण भुगतान योजना या सुगम योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो IDBI बैंक ने खुदरा NPA उधारकर्ताओं के लिए वसूली बढ़ाने हेतु OTS योजना शुरू की है। IDBI बैंक ने सुगम ऋण भुगतान योजना शुरू की है, जो गैर निष्पादित खुदरा ऋणों की वसूली के उद्देश्य से एक मुश्त निपटान संपन्न निपटान योजना है। यह योजना उन उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जिनका बकाया मूलधन 10 लाख रुपए से 10 करोड़ के बीच है। तो इसका बेनिफिट सिर्फ कौन ले पाएगा, जिनका प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख टू 10 करोड़ के बीच है। और ये 31 मार्च 2021 तक NPA के रूप में वर्गित ऋणों के लिए स्थिर शर्तें प्रदान करती है, जो 31 अगस्त 2024 तक जारी रहेंगे। उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2024 तक निपटान राशि का कम से कम 10% भुगतान करना होगा और शेष राशि स्वीकृत पात यानी 90 दिनों के भीतर बिना ब्याज के चुकानी होगी। वैकल्पिक रूप से शेष राशि 25 मार्च 2025 तक 31 अगस्त 2024 के एक वर्षीय MCLR पर आधारित ब्याज दर के साथ LOA से 90 दिन के बाद 2% साधारण ब्याज दर के साथ चुकाई जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज है। तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो MMRDA, तो अभी उसने सिक्योर कर लिया 31,673.79 करोड़ का लोन फ्रॉम
PFC, which is Power Finance Corporation, to fast track मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो मुंबई का जो ढांचा परियोजना है उसको बढ़ाने के लिए जो मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण है उसे अभी PFC से कितने रुपए की लोन की मंजूरी मिली है, 31,673.79 करोड़। कुल परियोजना लागत का 80% ऋण द्वारा कवर किया जाएगा, जो शेष 20% है वो सरकारी अनुदान और MMRDA योगदान से वित्त पोषित किया जाएगा। मतलब 80% तो ऋण लिया जाएगा और बचा हुआ 20% सरकार देगी। थाने बोरीवली ट्विन टर्नल परियोजना के लिए विशेष रूप से 15,071 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। शेष 16,602 रुपए का उपयोग 8 अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास के लिए किया जाएगा, जिसमें थाने कोस्टल रोड और घाट कोपर से थाने तक ईस्टर्न फ्रीवे का विस्तार शामिल है। क्लियर। तो ये डेटा याद रखना है स्पेशली बैंकिंग वालों के लिए कि 31,673.79 करोड़ रुपए का ऋण लिया है MMRDA ने, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है मुंबई के अंदर उनको और ज्यादा तेज किया जा सके। ये लोन किससे लिया गया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, विच इज PFC। क्लियर। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कनाडा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जिसने एग्रीमेंट साइन किया रियलिस्ट INC कनाडा के साथ, ताकि स्पेस प्रोडक्ट को में बेसिकली दोनों मिलके क्या कर सके, एक दूसरे के साथ सहयोग कर सके। तो बेल अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार है, इसने कनाडा की रियलसेट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। तो बेसिकली जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसमें भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अब प्रवेश करेगी। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अंतरिक्ष उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग के लिए रियलसेट INC कनाडा के साथ एक टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर हस्ताक्षर कहां पर किए गए? बेंगलुरु कर्नाटका में BEL के कॉपरेटिव कार्यालय में किए गए। समझौता अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों कंपनियों की क्षमताओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। यह सहयोग BEL के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश को भी चिन्हित करता है। तो याद रखना है BEL ने किसके साथ समझौता किया है? कनाडा बेस्ड रियलसेट के साथ। क्लियर। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज है। तो इसरो इन स्पेस और NSIL, इसरो हम सबको पता है, NSIL क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसने 5G टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है विद नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ। तो इसरो INSPACE और NSIL ने गैर सरकारी संस्थाओं के साथ 5TTA पर हस्ताक्षर किए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TTA? टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एग्रीमेंट। तो देख लेते हैं एक बार न्यूज क्या कह रही है। तो इसरो इन स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने गैर सरकारी संस्थानों के साथ 5 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। TTA पर हस्ताक्षर अन्ना बोर्ड लिमिटेड, सोल्वो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड OLR NGEs हैं, ये गैर सरकारी संस्थाएं हैं। माइक्रोपैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ इन स्पेस ने बेंगलुरु कर्नाटका में ये हस्ताक्षर किए। क्लियर। ये समझौते निजी खिलाड़ियों को इसरो की उन्नत तकनीकों तक पहुंचान प्रदान करने की सरकारी पहल का भी एक हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और व्यावसायिक अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है। तो याद रखना है ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन इसरो इन स्पेस और NSIL, जिसने गैर सरकारी संस्थानों के साथ 5TTA, व्हाट इज TTA? टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि बेसिकली फोस्टर इनोवेशन हो सके और कमर्शियल एप्लीकेशंस को फैलाया जा सके अक्रॉस वेरियस सेक्टर। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। तो चाइना से न्यूज आ रही है। चाइना ने अभी क्या किया है? 6 न्यू सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। तो 20 सितंबर 2024 को चीन ने शांति प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 6 नए उपग्रह, विच इज जिलिन 1 कुनफू 02 B0106 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो 6 नए सैटेलाइट्स हैं चीन के, जिनको शांक्षी प्रांत के ताइवाना सैटेलाइट से लॉन्च किया गया है, जिनके नाम है 02B0106 तक। उपग्रह को एक लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। यह लॉन्च मार्क कैरियर रॉकेट श्रृंखला के 536वें उड़ान मिशन को चिन्हित करता है। उपग्रह में उच्च रेजोल्यूशन और वाइल्ड फील्ड ऑफ फ्यूल टेलीफोटिक रेज इमेज, जो उच्च रेजोल्यूशन भूमि अवलोकन के लिए, तो हाई रेजोल्यूशन एंड वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू टेलीफोटो रेंज इमेज का यूज होगा, जो हाई रेजोल्यूशन लैंड ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चाइना के 6 उपग्रह को आपको याद रखना। क्लियर। तो चाइना सक्सेसफुली लॉन्च 6 न्यू सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। तो स्पोर्ट्स से न्यूज आ रही है।
डाइनो ब्रावो रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, ज्वाइन केकेआर एज अ मेंटर। तो ड्रेम ब्रावो ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और उन्होंने केकेआर में मेंटर के रूप में खुद को शामिल कर लिया है। तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं ब्रावो, जो दो बार पुरुष के T20 वर्ल्ड कप विजेता रह चुके हैं। उन्होंने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ब्रावो कोलकाता नाइट राइडर में मेंटर के रूप में शामिल होंगे, जो गौतम गंभीर की जगह लेंगे। तो इससे पहले अगर मैं केकेआर की बात करूं, तो मेंटर के रूप में कौन काम कर रहे थे वहां पर? गौतम गंभीर काम कर रहे थे। अब इनकी जगह कौन काम करेंगे वहां पर? ब्रावो काम करेंगे। उन्होंने पहले चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजी कोच के रूप में भी काम किया है। उसके साथ साथ ब्रावो केकेआर की अन्य वैश्विक फ्रेंचाइजी का भी हिस्सा होंगे, जिसमें CPL, मेजर लीग क्रिकेट MLC और इंटरनेशनल लीग 2020 भी शामिल होंगे। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है क्रिकेट के फील्ड में ब्रावो, जो कहां से बिलोंग करते हैं? वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने अभी क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है और अब वो केकेआर के मेंटर के रूप में गौतम गंभीर को रिप्लेस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे न्यूज, विश्व गर्भ निरोध दिवस 2024, जो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो विश्व गर्भ निरोध दिवस 26 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ताकि सभी उपलब्ध गर्भ निरोध विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिन का उद्देश्य युवाओं के उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सुचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। विश्व गर्भ निरोध दिवस 2024 का विषय है सभी के लिए एक विकल्प, योजना की स्वतंत्रता चुनने की शक्ति। पहला विश्व गर्भ निरोध दिवस 26 सितंबर 2007 को मनाया गया था। तो पहली बार इस दिन को कब सेलिब्रेट किया गया था? 26 सितंबर 2007 को सेलिब्रेट किया गया था, जिसका बेसिकली पर्पस है कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाना अमंग यूथ। थीम भी याद रखनी है, चॉइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्ले, पावर टू चूज, सभी के लिए एक विकल्प, योजना की स्वतंत्रता और चुनने की शक्ति। नेक्स्ट है विश्व रेबीज दिवस। तो जानवरों को काटने से रेबीज बीमारी फैलती है, तो रेबीज की रोकथाम के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को हम 28 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को रेबीज, जो एक वायरल जूनोटिक और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन रेबीज की रोकथाम के महत्व पर जोर देता है और रेबीज को हराने में प्रगति को उजागर करता है। लुई पोस्चर की पुण्यतिथि भी इसी दिन होती है, जिन्होंने 1885 में पहला रेबीज का टीका विकसित किया था। तो 1885 में पहला रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? लुई पोस्चर ने विकसित किया था। 2024 के विश्व रेबीज दिवस की अगर थीम की बात करूं, तो रेबीज की सीमाओं को तोड़ना है। तो इस बार की थीम क्या हो गई? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। क्लियर। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर से। तो अरुंधति रॉय, जिनको 1997 में बुकर प्राइज भी मिल चुका है, उनका पहला संस्करण मदर मेरी कम्स टू मी सितंबर 2025 में रिलीज होगा। तो प्रसिद्ध भारतीय लेखिका हैं, जिनको 1997 में बुकर पुरस्कार विजेता बेसिकली वो रह चुकी हैं। उनका 2025 में अपना पहला संस्मरण, बेसिकली हिज फर्स्ट मेमोरियल टाइटल मदर मेरी कम्स टू मी, प्रकाशित करने वो जा रही है। पुस्तक को पेंगुइन रेंडमन हाउस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और यह बताती है कि व्यक्ति और लेखिका कैसे बनी। उस संस्मरण को उनकी मां और महिला अधिकारी कार्यकर्ता मैरी रॉय की सितंबर 2022 में हुई मृत्यु से प्रेरणा मिली थी। यह पुस्तक एक साथ कई देशों में प्रकाशित की जाएगी। इन देशों में यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे शामिल है। तो इन कंट्रीज में क्या किया जाएगा? इस बुक का अनावरण किया जाएगा। नेक्स्ट है रैंक एंड रिपोर्ट से। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो वही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम वीपो के नाम से जानते हैं, तो वीपो ने एक इंडेक्स जारी किया है, जिसका नाम क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक कितनी आई है? 39, और टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने, और ये लगातार स्विट्जरलैंड का 14वां शीर्षक स्थान है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 38.3 स्कोर के साथ 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वां स्थान हासिल किया है। 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्कोर 38.1 था और भारत का स्थान क्या था? 40वां। तो इस बार भारत ने अपने आप को एक इम्प्रूव किया है। टॉप की अगर हम बात करें, तो स्विट्जरलैंड लगातार 14वें वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर रहा, इसके बाद स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा और यूएसए कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। GII, विच इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, को 2007 से प्रतिवर्ष वीपो, इंस्टीट्यूट और कार्नेल विश्वविद्यालय द्वारा सह प्रकाशित किया जाता है।
जो 80 संकेतों का उपयोग करके उनकी नवाचार क्षमताओं के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग करता है। तो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, इंडेक्स भारत की रैंक कितनी है 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 है, टॉप पर स्विट्जरलैंड लगातार 14वीं बार। और अगर मैं बात करूं भारत की प्रीवियस रैंक कितनी रही थी इसमें, तो भारत की प्रीवियस रैंक रही थी 40वीं। तो इस बार भारत ने क्या किया, खुद को दो इंप्रूव किया है, सॉरी एक नंबर भारत ने खुद को इंप्रूव किया, 40 से भारत कौन से पे पहुंचे हैं 39। कितनी कंट्रीज का इसमें डेटा सेलेक्ट किया गया था, तो टोटल इसमें अगर मैं डेटा की बात करूं तो टोटल इसमें जो डेटा सेलेक्ट किया गया था अलग अलग कंट्रीज का लगभग 133 अर्थव्यवस्थाओं का डेटा सेलेक्ट किया गया था, तो 133 में से भारत का 39वां स्थान रहा। नेक्स्ट है सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस। सो बेसिकली एमओएस प्रोफेसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल इनोग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पैसा एक्ट इन न्यू दिल्ली। तो पैसा एक्ट अगर मैं बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पंचायत एक्ट एक्सटेंशन टू शेड्यूल एक्ट 1996 में जो पास हुआ था, उसके लिए न्यू दिल्ली में क्या की गई है, कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई है। तो 26 सितंबर 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने नई दिल्ली में पंचायत अधिनियम 1996 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और उसे संबोधित किया। सम्मेलन में पैसा जीपीडीपी ग्राम पंचायत विकास योजना पोर्टल और जीपीडीपीएस और प्रशिक्षण पहलुओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से 7 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ देखा गया। पंचायत राज मंत्रालय ने संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों पर राज्य की कार्रवाई की निगरानी के लिए फंक्शनल एक्टिविटी मैपिंग डैशबोर्ड जैसी पहले शुरू की। पैसा प्रशिक्षण मैनुअल और पैसा जीपीडीपी पोर्टल को भी गांव आधारित विकास योजना को सुगम बनाने के लिए पेश किया गया। क्लियर, तो याद रखना है ये। नेक्स्ट है ऑब्चरी न्यूज। तो ऑस्कर विजेता है बेसिकली ब्रिटिश अभिनेत्री है और हैरी पॉटर स्टार थी डैम मैगी, जिनका 89 वर्ष की उम्र में अभी क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो उन्होंने हैरी पॉटर श्रृंखला में प्रोफेसर मिनर्वा की भूमिका निभाई थी, अभी लंदन में उनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मैगी स्मिथ ने 1952 में अपने अभिनय की शुरुआत की और 1956 में ऑक्सफोर्ड प्ले हाउस में अपनी पेशेवर शुरुआत की। उसने 1990 में महाराजी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की डैम कमांडर भी बनाया गया था। स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते, साथ ही कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते हैं। तो याद रखना है ऑस्कर विजेता थी डैम मैगी स्मिथ, जिनका भी निधन हो। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे। अंतर्राष्ट्रीय में हमने एक इंपॉर्टेंट न्यूज देखी कि इंडिया को इलेक्ट किया गया स्टीयरिंग कमेटी ऑफ ग्लोब ई नेटवर्क, जो कहां पर कंडक्ट की जाएगी, चाइना में कंडक्ट की जाएगी। फिर हमने राज्य समाचार देखे। राज्य समाचार में हमने देखा कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी है, जिससे महाराष्ट्र के अंदर काफी सारी जगहों पर इन्वेस्ट किया जाएगा। बैंकिंग और वित्तीय समाचार देखिए। बैंकिंग और वित्त की अगर हम बात करें तो सेबी ने डिलिस्टिंग विनियम में संशोधन किया है, जो स्वेच्छित डिलीट करेंगे, खुद को डिलिस्टिंग करेंगे वॉलेंट्री, उनको एक फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हमने देखा था कि आईडीबीआई बैंक ने लॉन्च कर दिया ओटीएस सिस्टम फॉर रिटेल एनपीए बोरोवर्स टू बूस्ट रिकवरी, ज्यादा से ज्यादा रिकवरी की जा सके उसके लिए। एमएमआरडी ने सिक्योर कर लिया 31.673.79 करोड़ लोन पीएफसी से, ताकि मुंबई में 9 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रन किया जा सके। उसके बाद हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ न्यूज देखी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो बेल इंडिया ने स्पेस सेक्टर में अपनी एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है, कनाडा रिलायंस सेट के साथ साइन किया है। 3 ऑर्गेनाइजेशन देखी थी हमने, इसरो इन स्पेस एंड एनएसआईएल, जिन्होंने 5 टीटीए साइन किए हैं नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए हैं 6 न्यू सैटेलाइट्स। स्पोर्ट्स न्यूज की अगर मैं बात करूं तो जो ब्रावो हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर, अभी उन्होंने क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया है क्रिकेट के ऑल फॉर्म से और केकेआर के मेंटर के रूप में अब ये शामिल होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज की अगर मैं बात करूं तो विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2024 हमने देखा, जो 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। विश्व रेबीज दिवस देखा, जो 28 सितंबर 2024 को सेलिब्रेट किया गया। पुस्तक और लेखक समाचार में अगर मैं बात करूं तो मदर मेरी कम्स टू मी, ये जो बुक है ये सितंबर में रिलीज होगी। बुकर प्राइज विनर अनुदिति रॉय की ये किताब है, ये बेसिकली इनकी मेमोर है जिसमें इनकी जर्नी को रिप्रेजेंट किया जाएगा।
रैंक इन रिपोर्ट से हमने देखा था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसमें भारत की 39 रैंक रही है जो प्रीवियस ईयर 40 थी और स्विट्जरलैंड लगातार 114वीं बार टॉप पर रहा है। शिखर सम्मेलन से हमने देखा था एमओएस प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने इनॉग्रेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पैसा एक्ट और कहां पर ये न्यू दिल्ली में। और शोक समाचार में हमने देखा था डैम मैगी स्मिथ का भी निधन हो गया है जो ऑस्कर विजेता ब्रिटिश अभिनेता। क्लियर, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।